चंद्रयान 3 में बहुत बड़ा धमाका हो गया है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली ये धमाका चंद्रयान 3 में हो चुका है और उसके दो टुकड़े भी हो चुके हैं, लेकिन ये कोई बुरी खबर नहीं है। ये एक्सप्लोजन इसरो के प्लान में शामिल था और इन्होंने जमीन पर बैठकर एक बटन प्रेस करके ये एक्सप्लोजन किया है, जिसकी वजह से अब चंद्रयान के दो हिस्से हो चुके हैं। पहले टुकड़े का नाम प्रोपल्शन मॉड्यूल जबकि दूसरे टुकड़े का नाम लैंडर मॉड्यूल है। दरअसल ये जो लैंडर मॉड्यूल है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ एक बोल्ट से कसा हुआ था और इसरो के साइंटिस्ट ने एक ऐसी पेरो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से एक बटन प्रेस करके उसे इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर बेंगलोर से एक्टिवेट किया गया। जैसे ही बटन प्रेस हुआ तो बोल्ट कटर ऑन होते ही ये दोनों अलग हो गए। लैंडर मॉड्यूल के साथ कुछ स्प्रिंग्स भी अटैच किए गए थे। जैसे ही बोल्ट कट हुआ तो उसके ऊपर जो स्प्रिंग्स फिट किए गए थे वो भी एक्टिवेट हुए और उन्होंने लैंडर मॉड्यूल्स को एक पुश दिया। ये एक ऐसा पुश था जिसकी वजह से अभी भी प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक ही ट्रैजेक्टरी पर मूव कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग्स ने जो पुश दिया है उसकी वजह से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लैंडर मॉड्यूल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसरो ने उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया गया है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल जिस स्पीड से चल रहा है उससे लैंडर मॉड्यूल की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान मौजूद फासला बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग की जाएगी और फिर ये लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएगा और यहाँ पर चंद्रयान 3 लूना 25 से 1 स्टेप आगे निकल चुका है, क्योंकि लूना 25 ऑर्बिट में तो पहुंच चुका है लेकिन उसका लैंडर मॉड्यूल अलग नहीं हुआ, जबकि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अलग हो चुका है। लैंडर मॉड्यूल वो हिस्सा होता है जो चांद की सतह पर लैंड करता है और उनकी ये सेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर इस दौरान जरा सी भी गलती होती तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आ सकती थीं। पहली ये कि वो एक्सप्लोजन गलत तरीके से हो सकता था, इसमें कोपेरो इस्तेमाल किया गया था। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक एक्सप्लोसिव सिस्टम होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करती है। तो अगर ये एक्सप्लोजन ही गलत होता तो इससे चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो सकते थे, लेकिन तमाम चीजें प्लान के मुताबिक ठीक रही। यहाँ सबसे बड़ी बात, जो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड लैंडर मॉड्यूल को ज्यादा देनी थी वो भी प्लान के मुताबिक ठीक ही हुई है। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा ना होता बोल्ट तो कट जाता, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी के लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल अगर एक ही स्पीड से आगे बढ़ते रहते तो इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा कोलिजन होता और इनकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती। अब ऐसी सिचुएशन में इसरो के साइंटिस्ट को बटन प्रेस करके इंजन ऑन करने पड़ते ताकि वो अपनी ट्रैजेक्टरी में वापस जाएं। ऐसा करने के लिए इसरो के साइंटिस्ट को फ्यूल बर्न करना पड़ता। अगर फ्यूल बर्न होकर वेस्ट होता तो लैंडिंग के वक्त अगर खुदा ना ख्वास्ता लैंडिंग के लिए जगह सही ना मिलती तो लैंडर को एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा मूव करना पड़ता, तो इसके लिए भी फ्यूल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में फ्यूल कम हो जाता, क्योंकि चांद की सरफेस पर ग्राउंड लैंडिंग के दौरान लैंडर को जो एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए फ्यूल तो चाहिए होगा ना। अगर ऐसी सिचुएशन में साइंटिस्ट इस फ्यूल को ट्रैजेक्टरी चेंज करने में लगा देते तो फिर इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता। आइए अब बात करते हैं, क्या चंद्रयान 3 लूना 25 से पहले लैंड करेगा या फिर नहीं। इसरो के लिए चंद्रयान 3 कितना बड़ा मिशन है ये तो हम सब जानते हैं। इस वक्त चंद्रयान 3 उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां से उसकी लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। 16 अगस्त को इसरो ने 5th और फाइनल मून बाउंड मैन्यूवर कंप्लीट किया है और 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया है। अब वो वक्त आ चुका है जब इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस शुरू करेगा और इसके तीनों इंजन फायर किए जाएंगे। अब चंद्रयान 3 पर चांद की ग्रेविटी का असर बहुत ज्यादा होने लगा है और चंद्रयान 3 को अपनी स्पीड कम करने के प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बाद 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि चांद की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट चांद की तरफ आता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्पीड कंट्रोल करने के लिए इंजन को फायर किया जाएगा और फिर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव कर लेगा।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में इसरो के चीफ का कहना है कि लैंडिंग का सबसे जरूरी पार्ट लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लास्ट तक जीरो पर लेकर आना है और लैंडर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में लेकर आना है। यहां इसरो को अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस प्रोसेस को कई बार दोहराया गया है ताकि लैंडिंग में किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अगर 23 अगस्त को लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। असल में किसी भी लैंडर की लैंडिंग ही सबसे मुश्किल फेज होता है जिसमें अक्सर स्पेसक्राफ्ट फेल हो जाते हैं। जब लैंडर चांद से 30 किलोमीटर दूर होगा तब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। अगर स्पेसक्राफ्ट इस कंडीशन में लैंड करेगा तो इसे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त चंद्रयान 3 के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल रूस का लूना 25 है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 कामयाब होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह वो चांद पर लूना 25 से पहले लैंडिंग को अचीव कर ले। इस वक्त सिर्फ चांद पर पहुंचना ही जरूरी नहीं है बल्कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद इसरो ने इस मुश्किल रास्ते पर सफर किया क्योंकि उसे अपने इस मिशन पर पूरा भरोसा है। इसमें बहुत ही पावरफुल इंजन लगाए गए हैं, यहाँ तक के पावरफुल नेविगेशन और सेंसर का इस्तेमाल भी किया गया है जिसकी वजह से इसरो को पूरा यकीन है कि वो इस मुश्किल टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये काम आसान नहीं है क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती भी लैंडर को क्रैश कर सकती है और इसरो की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि चंद्रयान 2 में भी यही प्रॉब्लम आई थी कि वो सही तरीके से टर्न नहीं हो सका था, स्पीड भी कम नहीं हो सकी थी जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। यही वजह है कि इस बार इसरो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसरो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और जिस तरह चंद्रयान 3 हर स्टेप में सक्सेसफुल हो रहा है उससे ऐसा ही लग रहा है कि इस बार इसरो का ये मिशन कामयाब होगा। इसरो की इस कामयाबी को देखकर रूस और अमेरिका दोनों हैरान हो चुके हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इसरो का ये मिशन कामयाब हो पाएगा। अब रूस इसी डर में है कि कहीं उनका लूना 25 चंद्रयान 3 से पीछे ना रह जाए। भले ही वो इसरो को इस मिशन पर मुबारकबाद दे रहा हो लेकिन हकीकत में उसकी सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि उसने लूना 25 को भेजा ही इसी मकसद के लिए है। और जब इसरो ने चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का प्लान कर लिया है तो रूस समझ चुका है कि इस बार इसरो के मिशन में कुछ तो ऐसा है जो वो मुसलसल हर स्टेप में कामयाब हो रहा है। असल में इसरो के अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि कहीं लूना 25 पहले लैंडिंग करके तमाम क्रेडिट्स अपने नाम न कर ले जिसकी वजह से इसरो किसी भी तरह लूना 25 से पहले सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है। चंद्रयान 3 के लिए जमीन से चांद तक पहुंचने का मिशन 42 डेज का था। लैंडिंग के बाद ये अपने रोवर के जरिए बहुत ज्यादा डिस्कवरीज भी करेगा। इसरो का कहना है कि लैंडिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चांद के साउथ पोल पर भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और अपने रोवर को बाहर निकाल सके और अपना काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद चंद्रयान 1 की डिस्कवरी को भी कंफर्म करेगा ताकि कोई ये ना कह सके कि पानी को डिस्कवर चंद्रयान 1 ने नहीं बल्कि नासा के लूनर मिशन ने की थी। तो प्यारे व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।